ସେଇଠି ପୁଅ Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog. फिलहाल अभी हो रहा है सुबह को 5:30। बस मैं थोड़ा जल्दी उठ चुका हूँ क्योंकि कल लास्ट से मैंने मेरा लैपटॉप चार्ज में बिठाया था, अभी तक मैंने ऑन नहीं करी क्योंकि कल से मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा चार्ज में बिठाया था। तो 4-5 घंटा तो मैंने चार्ज में बिठाया था, तो अभी अभी मैं उठाऊं, देखते हैं वो चार्ज हुआ कि नहीं। ये देखिए मेरा लैपटॉप में तो लाइट आ गया, देखते हैं वो ऑन होता है कि नहीं। लगता है वो ऑन हो जाएगा क्योंकि कल थोड़ा चार्ज नहीं था इसलिए वो ऑन नहीं हो रहा था। शायद कल से मैंने वीडियो एडिटिंग नहीं की, और देखते हैं अभी हो जाता है तो ठीक है। बस आ गया लगता है। बस हो गया मेरा लैपटॉप ऑन, बस दिल खुश हो गया, कुछ नहीं हुआ था मेरा लैपटॉप को। बस चलिए उसे थोड़ा ऑफ कर देते हैं। आज है संडे, बस चलते हैं अभी मछली पकड़ने जाल लेके। हमारा घर के सामने छोटा छोटा गड्ढा है और बाढ़ के टाइम थोड़ा पानी आ गया था, वहां पर मछली रुक गए हैं। चलिए वहां पर जाल डालते हैं, देखते हैं मछली आते है कि नहीं। କାଇଁ ଉଦା ହଉଛୁ ଏ ତୁ जो जाल लेके गए थे मछली पकड़ने के लिए, ज्यादा मछली नहीं आई, बस थोड़ा सा मछली मिली। और मैं आके थोड़ा फ्रेश हो गया हूँ, नहा धो के रेडी हो चुका हूँ खाने के लिए। बस अभी हो रहा है दोपहर को 1:30 बज रहा है और अभी करते हैं लंच। और लंच में बनी है रायता और साथ में मछली, मैं जो थोड़ा मछली लाया था वो वाला मछली, और भाभी ने भजा बनाया है और करी बनाया है। और देखिए थोड़ा सा मशरूम मिली थी हमारा घर के साइड से, और भाभी ने उसे प्याज डाल के भजा बना दिया, और खाएंगे दोपहर के लंच में सारे लोग खाएंगे थोड़ा थोड़ा। और ये देखिए मछली करी, ये मछली करी बनी है, और यहाँ पे बनी है रायता,
बाद में सुरसा डाल के बनाया है, देखिए जीरा और रायता सुरसा डाल के बनाया है और खाएंगे सब मिलके। चलिए खाते हैं अभी। जाते जाते बापा ऐतो है तो ओ 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 भाई गए लो ल ल ल ल ल ल ल ल भाई गए लो ल ल ल भाई गए लो भाई गए भाई 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 जय बाड़ी भी कैसे जा ये देखिए ये है गोड़ी से मछली, गोड़ी से मछली ये मछली करी बनी है और ये और रायता ये देखिए ये मशरूम, ये मशरूम प्याज डाल के बनाया है भाभी ने। फिलहाल मैं कुछ काम के वजह से इस रास्ते से जा रहा था, अभी टाइम हो रहा है शाम को 3 बज रहा है, तो मैं सोचा कि समुंदर की ओर चलते हैं और थोड़ा पानी वानी देखते हैं और कैसा लहर आ रही है। और यहाँ पहुँचने के बाद देखा तो पानी बिल्कुल नहीं है और ये जो आड़ी है यहाँ से 2-3 किलोमीटर के अंदर पानी है, तो इसलिए कुछ खास मतलब फ़ायदा नहीं हुआ, बस यहाँ से आके तो लौटना पड़ रहा है क्योंकि मैं जब देख रहा हूँ ना वो 2-3 किलोमीटर के आसपास पानी है, तो उधर तो ना नहीं जा सकते, तो इसलिए यहाँ से थोड़ा आवाज़ का गुंजन आ रही है, घड़घड़ घड़घड़ जैसा पानी जैसा आ रहा है, ऐसा ही कुछ आवाज़ आ रहा है दूर से। और बहुत बड़ा समुंदर है, दिखाता हूँ आप लोगों को एक बार, देखा देता हूँ क्योंकि बीच का नज़ारा ये दिखे। मैं एकदम समुंदर के बीच के पास खड़ा हूँ, ये झाँव का पेड़ है, ये सारे झाँव का लंबा लंबा पेड़ है, तो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को ये बीच से 4-5 किलोमीटर के अंदर पानी है एकदम। ये वो जो दिखिए ये जो हल्का हल्का सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना वो पानी है एकदम बहुत दूर, मतलब 2-3 किलोमीटर के अंदर पानी, तो वहाँ तक तो नहीं जा सकते, तो यहाँ से लौटना पड़ रहा है। देखिए कितना बड़ा समुंदर, आप लोगों आवाज़ भी आ रहा होगा, थोड़ा घड़घड़ 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 जैसा आवाज़ आ रहा है, मतलब पानी आ रहा है, पानी अंदर से ये बीच तक पानी आ रहा है, धीरे 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 करके पानी आ रहा है, इसलिए थोड़ा आवाज़ें आ रही है, जैसे कि लहर आने के टाइम कुछ आवाज़ हो रहा है, ढक 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 आवाज़ हो रहा है, वही आवाज़ आ रही है वो दूर से समुंदर के अंदर से आवाज़ें आ रही है। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ वापस, तो ये देखिए जो पीछे एकदम ग्रीन ग्रीन जाला दिख रहा है, यहाँ पर लोग झींगा मछली को हार्वेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे और खेती कर रहे हैं झींगा मछली। और काम था इस साइड में आए थे, वो काम हमारा अभी तक बनी नहीं, तो जाएंगे वो काम निपटा के फिर चलेंगे घर। फाइनली टाइम हो रहा है रात को 11:20, बस करते हैं डिनर, साथ में एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।
हाँ बाड़ी की पूछ रहे।